हमारी बहन बेटियों पे, हमारी माताओं पे, हमारे भाइयों पे जो लाठी चलाई है, ये हमें मंजूर नहीं है। इसका बदला लिया जाएगा। यह 15 दिन का अल्टीमेटम दे आप लोग, यह बकबक नहीं करनी हम लोगों ने। उस स्वाभिमान और सम्मान के साथ यह जो प्रतिमा खंडित किया पुनः स्थापित कराया जिला प्रशासन फरदाबाद और SP फरदाबाद और जो सीकरी का सरपंच है, सीकरी का जो सरपंच है उसकी पंचायत, हमारे बहुजन समाज की जो नारी शक्ति है जिन पर लाठियां बरसाई सरकार ने, उस सरपंच ने अपने प्रशासन को लेकर के माफी मांगे तो एक चमचे लोग हमेशा खड़े रहेंगे और मनुवादी ताकत इनका प्रयोग करेंगी और जो बहुजन शक्ति है, बहुजन क्रांति है, इसके खिलाफ उसका यूज करेंगे। इसीलिए चमचों से सावधान रहना है। हमारे अगले प्रवक्ता है प्रोफेसर कल्याण सिंह भारत। ऐसे ही संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी नौकरी भी गंवा दी। साहब पिछले तीन घंटे से इसी चक्कर में लगे हुए हैं। आप 5 मिनट इन्हें भी दे दीजिए। सभी साथी एक बार नारा लगाएंगे, मनोहर काशीराम साहब अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। बहुजन समाज के लोगों, बड़े ही दुख और दर्द की बात है, ये शेरशाह सूरी महाराज जब बनवाया था इस रोड पे, ये जो गांव सीकरी के बहुजन समाज के लोगों ने, ये बाबा साहब भारत के पिता और भारतीयों के पिता के जो मूर्ति यहां स्थापित की, ऐसी मूर्ति नेशनल हाईवे पे कहीं भी स्थापित नहीं है। ये हमारी आन है, पान है और शान है और हमारी जान है। इसलिए जो भी मनुवादी हिंदूवादी ताकत है, सरकार है या मनुवादी दिमाग है या गुलाम लोग, ऐसी हमारे भारतीय संविधान के पिता, हमारे पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पार्क मूर्ति और धार्मिक स्थल को खंडित करने का काम करेंगे तो उनके गोली बंदूक निकाल के मारने का काम हम करेंगे। साथियों, ये गांव सीकरी की पंचायत के उच्च चुनिंदा मनुवादी सरपंच और मेंबरों ने, यह हमारे समाज के लोगों की बात नहीं है, ये गांव सीकरी के मनुवादी हिंदूवादी चुनिंदा सरपंच और मेंबर लोगों ने यह बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का योगदान किया है और मनुवादी सरकार के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का सहयोग लेकर के हमारी बहन बेटियों पे, हमारी माताओं पे, हमारे भाइयों पे जो लाठी चलाई है, ये हमें मंजूर नहीं है। इसका बदला लिया जाएगा और जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को मेरी दरखास्त है, बहुजन समाज के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, तमाम संगठन के नेताओं से, यह जिला प्रशासन फरदाबाद, पुलिस प्रशासन फरदाबाद, इनकी हुकूमत के नीचे हमारी बहन बेटियों पर लाठियां पड़ी, हमारी बहन बेटियों पर भाइयों पर लाठियां पड़ी। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, देखो मेरा कोई संगठन नहीं है, आपका बहुजन साथी हूँ, कल्याण सिंह भारत, गांव चमनपुरा है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पेशे से प्रोफेसर हूँ। आप लोगों से, सीकरी गांव के बहुजन समाज के लोगों से, यहाँ आए तमाम संगठन के लोगों से, तमाम बहुजन साथियों से, बुजुर्गों से, हुक्मरानों से, क्योंकि नेता लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनसे सबसे अनुरोध है, जिला प्रशासन DC गुड़गांव फरदाबाद और पुलिस प्रशासन SP को पत्र लिखे आप कि आज ही हमारी समस्याओं का समाधान विदिन 15 डेज के अंदर नहीं किया तो हम लोग मजबूरन यह नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए तैयार रहेंगे। यह 15 दिन का अल्टीमेटम दे आप लोग, यह बकबक नहीं करनी हम लोगों ने। हमारी समस्या है बाबा साहब के मान सम्मान को खंडित करने का। मान सम्मान खंडित किया हमारे पिता का, हमारे भारतीय संविधान के निर्माता का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, यह मान सम्मान को खंडित किया है। इस मान और सम्मान और स्वाभिमान को बचा के रखना है तो 15 दिन का अल्टीमेटम दे। यदि 15 दिन के अंदर यह बहुजन समाज की जो पीड़ा है, यह जो सीकरी वाले लोग जो रो रहे हैं, जिन्होंने पंडाल लगाया है, आप लोगों को मैसेज किया, कॉल किया, जिनके बुलावे पे आप लोग यहाँ आए हैं,
इस समस्या का समाधान होना चाहिए 15 दिन के अंदर। उस स्वाभिमान और सम्मान के साथ यह जो प्रतिमा खंडित किया पुनः स्थापित करें यहाँ जिला प्रशासन फरीदाबाद और SP फरीदाबाद, वरना 15 दिन के बाद ये गुड़गांव का ये जो फरीदाबाद का जो हाईवे इसको जाम करने के लिए तैयार रहे। यहाँ राजनीति नहीं करनी, हमारा एक हित है सामाजिक हित, हमारा एक हित है संवैधानिक हित। हम बाबा साहब के वैचारिक संतान हैं, हम संविधान के माध्यम से भी चलते हैं और सामाजिक क्रांति के माध्यम से भी चलते हैं। तो हम संवैधानिक रूप से आप सब लोग अपना पत्र लिखे, अपने लेटर हेड पर लिखे कि भाई 15 दिन के अंदर हमारी समस्या है, इसका समाधान करें। और जो सीकरी का सरपंच है, 1 मिनट, सीकरी का जो सरपंच है उसकी पंचायत, हमारे बहुजन समाज की जो नारी शक्ति है जिन पर लाठियां बरसाई उस सरकार ने, उस सरपंच ने अपने प्रशासन को लेकर के माफी मांगे और यह मूर्ति बाबा साहब की लगाए, तभी बहुजन समाज की क्रांति रुकेगी, वरना रुकेगी नहीं। साथियों, यह नीली क्रांति है, स्वाभिमान की क्रांति है, यह भीम सैनिक है। कुछ लोग जो हमारे शारीरिक रूप से हमारे हैं, मैं बता देता हूं, कुछ लोग शारीरिक रूप से हमारे हैं लेकिन दिमाग मड़ुआती है, उन लोगों को हमें छोड़ना नहीं है। हमें मानसिक क्रांति करनी होगी, उनका मानसिक परिवर्तन करना होगा, चाहे कोई भी हो। और ऐसे मानसिक गुलाम के लोगों को ही यह मनुवादी सरकार है, मनुवादी ताकत है, हमारे लिए खड़ा करती है। जैसे बाबा साहब के विरुद्ध जगजीवन राम को खड़ा किया था। माननीय काशीराम साहब की किताब पढ़ना आप, माननीय साहब की किताब पढ़ना आप, चमचा युग, उन्होंने बता देंगे आपको 1930-31-32 में काशीराम साहब की जब किताब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि बाबा साहब के खिलाफ कितने चमचे खड़े हुए थे। तो ये चमचे लोग हमेशा खड़े रहेंगे और मनुवादी ताकत इनका प्रयोग करेंगी, और जो बहुजन शक्ति है, बहुजन क्रांति है, इसके खिलाफ उसका यूज करेंगी। इसीलिए चमचों से सावधान रहना है और नीली क्रांति को आगे बढ़ाना है और मान सम्मान स्वाभिमान को जिंदा रखना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह बाबा साहब का नारा है। और बुद्ध धम के साथ बाबा साहब की क्रांति को आगे करो आप लोग, यही आपको बाबा साहब का संदेश है। जितनी शिक्षा ग्रहण करोगे उतना ही तर्क और शक्ति आएगी, और समाज के साथ आप जो कंधे से कंधा मिलाकर के अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाई को प्रणाम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।